देखिए बात हो रही है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी अब ये स्मॉल जी मतलब वो नहीं है स्मॉल जी जो जी लगाते चाचा जी सर जी वो नहीं है ये जी मतलब जी है स्मॉल जी क्या होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या मतलब होता है एक्सलेशन का मतलब क्या होता है बहुत लोग डेफिनेशन तो याद कर लेते हैं लेकिन मतलब क्या होता नहीं मालूम डेफिनेशन याद रटी हुई है जैसे कौन सा था थ्री इडियट में वो नहीं था तो जो बहुत रटा करता था ओ रेंचो था वो याद क्या नाम था चतुर था नहीं जो बहुत पढ़ता था जो हाँ तो वही था रट लिया क्या मतलब होता पता नहीं ठीक है आप सुनिए ध्यान से एक्सलेशन का मतलब होता रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ठीक है किसी छोटे बच्चे ने कहा मतलब मतलब क्या होता रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब तो आप समझाना पड़ेगा देखो आपकी उसको स्पीड मालूम है वालास्टी मालूम है आपकी वेलोसिटी वन मीटर पर सेकेंड थी यानी एक सेकेंड में आप एक मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे थे अब इतना वो समझ गया अगले सेकेंड दो मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हो एक सेकेंड में तो आपकी स्पीड हो गई दो मीटर तो एक हर एक सेकेंड में आपका क्या हो रहा है स्पीड एक बढ़ रही है तो आपका एक्सलेशन क्या है वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये समझ में आ गया तो हमने ग्रेविटेशन में देखा कि जब बॉडी गिरती है तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहती है तो हर सेकेंड कितनी बढ़ती है तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू आई नाइन पॉइंट एट वो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो अभी एल्टीट्यूड अगर पढ़ाया जाएगा लेटीट्यूड किस लेटिट्यूड पे हम बात कर रहे हैं तब बताया जाएगा 9.8 स्टैंडर्ड वैल्यू 45 डिग्री लेटीट्यूड क्या वो बात की बात है तो यानी कि स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है हमें फिलहाल उससे मतलब नहीं है हमको स्मॉल जी और कैपिटल जी की वैल्यू निकालनी है तो कैपिटल जी है और स्मॉल जी है तो यानी कि हमको ग्रेविटेशन में अर्थ लेना पड़ेगा हमने कहा सपोज करिएगा ये अर्थ है और अर्थ का मास है एम मास ऑफ अर्थ और हम अर्थ सरफेस पर हैं सरफेस के ऊपर अगर हम इस हमने क्या लिया लिया आर अगर हम सरफेस से बहुत ऊपर चले जाएंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी इसलिए हम उसकी बात करेंगे अर्थ सरफेस पे और यहाँ पर कोई बॉडी स्मॉल एम मास की रखी हुई है अब ये डायग्राम के बारे में आप लिख लेंगे कैम इज दास द रेडियस ऑफ अर्थ अ बॉडी इज पुट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ तो इसका मतलब इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस करेगी तो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगी जी एम ई e, इस्तेमाल एम पान आर ई स्क्वायर ये तो ये हो गया अब अगर बॉडी गिर रही है और बॉडी का एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है तो आप जानते हैं एफ बराबर एम जी होता है फोर्स बॉडी के वेट के बराबर होता है वेट का मतलब ही होता है कि फोर्स बाय हिस अर्थ अट्रैक्टिंग एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर तेरी दोनों ही बात एफ़ की है दोनों ही एफ है कहने का अंदाज अलग अलग है तो दोनों को इक्वेट कर दें, इक्वेटिंग इक्वेशन एंड तो ये क्या हो जाएगा एम इक्वल टू जी एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर एम एम कट गया देखो ऐसा है कि एम ई e हम लिखते जरूर हैं कहीं कहीं पर कैपिटल एम लिखा जाता है मास तो e क्यों नहीं लिखा आपने ऐसा थोड़ी है उन्होंने मान लिया एम इज द मास तो इस्मॉल इस जी की वैल्यू क्या हो गई जी एम अपान आर ई स्क्वायर ये स्मॉल जी की वैल्यू है ठीक पहुंची। जरा इस स्मॉल जी की वैल्यू ध्यान से देखिए दिख रही है, देखते रहिए देखते रहिए कुछ दिखा आपको इसमें नहीं दिखा इसमें बॉडी मास गायब है गायब है ना यहां पर मास ऑफ द बॉडी गायब है यानी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द पार्टिकल कौन बोला न्यूटन बोला नहीं न्यूटन नहीं बोला ये गैलीलियो बोला न्यूटन ने मैथमेटिकली तो आपको बता दिया लेकिन बोल कौन गया था गैलीलियो गैलीलियो गैलाई ने कहा था कि दो अलग अलग मास की बॉडी को ऊपर से अगर सेम हाइट पे फेंका जाए तो दे विल कहा कहेंगे गिरने को फॉल ऑन द अर्थ नहीं बता अंग्रेजी टीचर थोड़े हम हैं ऑन द सेम टाइम किसने बोला गलीलों ने लेकिन उस समय जो पादरी लोग थे उनका मानना क्या था कि भारी बॉडी पहले गिरेगी फिर उनके बेचारे जो भी बोलते थे उनके नकेल कस दी जाती थी उनको बुलाया गया बोले ऐसा अच्छा है भारी बॉडी पहले गिरेगी गलीलो भी कम नहीं था वही साइंटिस्ट तो सनखी आदमी होते हैं वो भैया दो अलग अलग मास पार्ट के लिए चढ़ गया पीसा के मीनार पे वहीं का रहने वाला था पादरियों को बुलाया दो बॉडी फेंकी दोनों एक साथ गिरी पादरियों ने कहा कि तो एक साथ रही है लेकिन कौन सी बॉडी पहले गिरेगी वारी उतर आ नीचे उतर आया बेचारा लेकिन अब चूंकि उसने अपनी बात पब्लिक डोमेन में कह दी थी उसके लिए पनिश कर किया जाता था बीच बीच में उसकी क्लास ली जाती है लेकिन पब्लिक डोमेन में उसने बात कह दी तो वो पवाई वायरल हो गई जैसे आजकल वायरल वर्ड यूज़ किया जाता है तो सब जान गए गैलीलियो ने कहा था वो कहा गैलीलियो ने था अब क्वेश्चन उठता ठीक है वाजपेयी जी आप सही कह रहे हो गैलीलियो सही कर रहे हैं हम ऊपर से एक पत्थर फेंक रहे हैं और एक पतंग फेंक रहे हैं कौन पहले गिरेगा क्यों पतंग को कोई रोक रहा है भाई भाई अगर हम दो बॉडी को फेंक रहे हैं और दोनों बॉडी को हमने फेंका और एक को पकड़ लिया आपने बोले तो गिरी नहीं रही है अरे पकड़े हो तुम उसको पतंग में ऊपर की ओर अर्थ का जो सॉरी एटमोसफियर का जो अपथ्रस्ट फोर्स नहीं लग रहा है तो आप दोनों बॉडी को गिराओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी अप्लाई करोगे तो पतंग के ऊपर तो आप दो बॉडी फेंक रहे हो एक को पैरासूट बांध दिया आपने एक साथ कहाँ गिर रही है अभी आप पैरासूट नहीं रोके उसको तो पतंग में अपथर्स फोर्स लगता है अदरवाइज अगर और कोई फोर्स एबसेंट हो फ्रिक्शन का तो एक साथ गिर रही तो ये प्रूव करता है स्मॉल जी की वैल्यू मास पर डिपेंड नहीं करती है दो डिफरेंट डिफरेंट मास के पार्ट के लिए अगर एक साथ फेंके जाएंगे तो स्मॉल जी वैल्यू विल बी द सेम सेम उसमें एक्सलेशन होगा लेकिन शर्त क्या है एक्सटर्नल एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स शुड वी एब्सेंट दूसरा फोर्स वहाँ नहीं होना चाहिए ठीक है